हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिंपल लाइफ डेली व्लॉग में। और भाई हाजिर है हम दोनों आपके सामने एक बार फिर से। शाम रात के बज चुके हैं, आठ आठ बज चुके हैं। और आटा लेके आए अभी पिटा रखो डैम अपना सारा जो जो हमारे पास आया है आपके सामने रखते हैं। बाइक की राइडिंग कर ली है मैंने, बाइक की राइडिंग कर ली है भाई। बाइक पे इनको घुमा लाया हम, इसलिए आपको थोड़ा सा एनर्जी मिल रही है। अभी भी घुमा के लाया हूँ, आटा उठा के लाए हैं। गर्मी बहुत हो रही है, अभी गर्मी में ज़्यादा भाई आज बिल्कुल भी हमारे यहाँ बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। आपके वहाँ कैसा मौसम है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है, सोनीपत में बहुत गर्मी है। और भाई देखो कल वैसे तो सेकंड सैटरडे है, छुट्टी होनी चाहिए थी लेकिन भाई बच्चों की छुट्टी, लेकिन भाई वो विजिट करनी है जो कॉलोनियों में घूमते ना, जो कॉलोनियों में भाई बताते हैं वो सिस्टम जो विजिट करते हैं ना वो काम करना है। ये बताते हैं कि भाई हमारे स्कूल में भेजो बच्चों को एडमिशन के लिए। भाई क्या पता किसी को कॉलोनी में नहीं पता होगा स्कूल के बारे में, इसलिए घूमते ही फैसलिटी बताओ, बता दे क्या क्या फैसिलिटी आपके स्कूल में, क्या पता कोई ऐसे आ जाए वीडियो देख के। इसका मैं एडमिशन लिया है भाई, इनके स्कूल में फीस ना के बराबर है और गरीब आदमी के बच्चे पढ़ सकते हैं। गरीब आदमी बच्चे बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, सभी बस इकट्ठे पढ़ सकते हैं बैठ के आराम से। और खुला है, हवादार है भाई, फीस तो मैं ग्राउंड भी है, स्कूल में गाड़ी गाड़ी के 600 रुपये भाई, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भाई गाड़ी के, कुल गाड़ी का हमारे बच्चों के स्कूल में 600 रुपये तो गाड़ी के हैं, आप 600 रुपये गाड़ी समेत हैं, 600 गाड़ी समेत 600 रुपये वही एडमिशन करवा दें स्कूल। जैसे कि भाई बेरोजगारी बढ़ती जाने लग रही है और गरीबी आएगी तो पैसा नहीं है लोग आपके पास, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा भी हमारे स्कूल ने ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है कि भाई गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और भाई जहाँ किराया किराया 600 रुपये है आने जाने का, मतलब सरकारी स्कूल में कोई करवाता है तो आने जाने में 600 रुपये लग जाएंगे, 20 रुपये हो रहा है, 15-20 रुपये, तो इतने रुपये में तो गाड़ियों में उठा कर भी लेके आ रहे हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। देखो सेवा ये समाज सेवा ही कर रहे हैं, बिल्कुल फुल इंग्लिश मीडियम स्कूल है भाई, सभी मैडम इंग्लिश में बात करती हैं, बच्चों की छुट्टी है और भाई मेरे को भी काम है अपना, तो देख काम का नाम लेते सुनने ने भी सुनने वाले भी तुम्हारा भी काम याद आना, मुझे काम करना पड़ जाता हूँ बैठाली होंगे ना, तो मैं शनिवार तो अर्ध बैठाली हूँ। एक बात और बताओ गाइस, देखो मैं तो परेशान हो लिया, मेरे को ये यानी से बैठाली समझते हैं ऐसा, या इसकी इसकी गलती ना है, मेरे को सारा सारा मेरा परिवार मेरे रिश्तेदारी सारे शनिवार तो अर्ध बैठाली समझ रहे हैं, मैं तो ठाली पड़ा रहा है, नो काम में नहीं है किसी तक पूछ रहे तो ठाली ना है नो कह दे भाई सब कोई नो कह दे ठाली ना है तू बता भाई। भाई एक बात, मेरे ऑफिस की छुट्टी है मान ली शनिवार अगर छुट्टी है तो हमने कोई काम ही नहीं है आपके सामने। देखो भैया अभी भी आया है कुछ बोलने के लिए, अभी तो बहुत बोली बहुत उतावला होता है आपका, तो शायद कपड़े मांझने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं ये काम हो और वही से साबित होता कि भी काम सारे मैं ही करता हूँ। और ये भी करेंगे वालकम बच्चे, मैं जब भी काम लगा देगा मैं ये काम लगाऊँ भाई, आपके जिम्मे कोई काम नहीं, आपने बस अपना पढ़ाई पे ध्यान देना। देखो भाई इनकी फीस बहुत ज़्यादा जा रही है, मैं क्या क्या सीख लिया तय भाई पढ़ लिया पढ़ाई भाई, हम अपनी रेंज से बाहर होकर इनके पढ़ाने लग रहे हैं इनको, लेकिन ये हमारे ये रेंज से बाहर होते जान लग रहे हैं सब कुछ आता है पढ़ाई के सिवा सब कुछ आता है। तो गाइस मैडम को भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बच्चे कराने वाले हैं इसलिए आज यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल आज मुश्किल से बैठी है, गर्मी से परेशान है भाई। देखो भाई गर्मी से परेशान है भाई मैडम में, भाई जो पानी की कमी हो रखी है, पानी पीती नहीं भाई, पानी नहीं पीना
ढंग से रोटी पानी नहीं खानी, पानी में बहुत पी, 24 घंटे बच्चों के साथ भाई, देखो बच्चों के साथ एनर्जी तो वेस्ट होती है भाई, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उसमें बहुत दिमाग लगता है, दिमाग मुझे एक संडे को भी रेस्ट नहीं है भाई। अब देखो भाई वो इनकी कमी है, वो रेस्ट नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई आप पढ़े लिखे हो, अपने कोई टेस्ट वगैरह की तैयारी कर लो, आप इसमें लगे रहोगे कोई अच्छी सी तो ठीक सी नौकरी मिल जाए। तो भाई देखो भाई नौकरी की तो सब जरूरत है, क्योंकि भाई जॉब के बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, बहुत हमें बिल्कुल मीडियम देखो भाई, एक तो होती है बिल्कुल गरीब आदमी, देखिए गाइस हमें बिल्कुल सिंपल फैमिली, मिडिल फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो है हम, और देखो जो गरीब होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, बीपीएल कार्ड होता है उनको सरकार दे देती है, उनको तो सरकार दे देती है भाई। और जो अमीर आदमी होते हैं उनको वैसे कि किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, और जो हम जैसे लोग होते हैं ना, जो मीडियम फैमिली होती है, सबसे ज़्यादा परेशान हम रहते हैं, क्योंकि हमको कुछ मिलता नहीं, सब कुछ में हमारे पास कुछ होता भी नहीं और हमें कुछ मिलता भी नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद भी नहीं मिलती, क्योंकि हम भाई संपन्न लोगों में हो जाते हैं, मीडियम आदमी ना और गाइस सच्चाई बताता हूँ आपको, जो लॉकडाउन में, जो कोरोना के लॉकडाउन में मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई है। गरीब आदमियों को सरकार ने भी दे दिया था, अमीरों को जरूरत नहीं थी, लेकिन मिडिल फैमिली को किसी ने नहीं पूछा। सच्चाई है मिडिल क्लास फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हुई है लॉकडाउन में, बिल्कुल उनको खाने के पीने के लाले पड़ गए थे, क्योंकि भाई देखो नौकरी तो सीधी सी बात है भाई, नौकरी तो उसको कोई कितना भी पढ़ा हो, कितनी अच्छी नौकरी पता वो भी हटा है, एक बार तो से भी घर पे आए हैं, फिर कंपनी में बाद में धीरे धीरे बुलाए हैं भाई, जैसे जैसे काम स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के 2 महीने लग गया। हाँ। और दुनिया का काम टाइम एक भाई 2 बार रुपये आए होंगे, 500 में क्यों होता भाई। देखो गरीब आदमी है जो अपने आप को गरीब साबित कर रहे हैं, कागजों में गरीब होते हैं, देखो घर से गरीब पता नहीं होते हैं होता होगा, लेकिन कागजों से जो कागजों में गरीब होगा ना वो माना जाएगा गरीब, असली में गरीब वो है। जो कागजों में गरीब था उसको सरकार ने दे दिया, फंसले मारे जी से हम हंडे नून नाम लखा हुआ हम के करें के करें, तो भाई जो दिन हमारे निकाले हैं ना बड़ी मुश्किल से निकले हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये मिलते होंगे, 20 हज़ार तो किसी किसी और एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलते होंगे, तो है ना स्टार्टिंग तो 15-10 हज़ार रुपये स्टार्टिंग, 10-10 हज़ार मंत्री आना देखा देखो नहीं हो सैलरी खरीद ली मंत्री, जो घर में एक बंदा कमाने वाला है वो 15 हज़ार रुपये लेकर बढ़ेगा तो किस कौन से उसमें रह गया खाने में, ना वो अमीर माता ना वो गरीब माता, बच्चा ने ना तो सरकारी में करवा सकता है ना वो बढ़िया स्कूल में करवा सकता है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा परेशान हुई मिडिल क्लास फैमिली है, जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं और तो और मैंने नौकरी भी नहीं है जिसके पास, 1.5 हज़ार रुपये बेरोजगारी बता, 1.5 हज़ार में क्यों होता बुक रही है, जो ये MLA मंत्री बन रहे हैं ना इन्हें जब रिटायरमेंट पर 1.5 हज़ार देकर देखी कृषि डाल जाएगा, उनको तो भी देना चाहिए, उनको क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है उनको। देखो मेरी सोच तो ये है, मान लो सरकारी नौकरी करो, देखिए हमने कहते जो पढ़ा लिखा है जो भाई इसके काबिल है उनको मिलना चाहिए नौकरी, मिलनी चाहिए नौकरी तो सबके घर होनी चाहिए, जो 1.5-1.5 लाख रुपये सैलरी ले रहे हैं काम ही ना कुछ नहीं आता, 10 में 100 में 10 नहीं आता पाओगा, बाकी ना कोई नहीं आता पावा, ये सारे जो प्राइवेट लग रहे हैं ना उन पर काम ले सारे मेरा, इनकी सैलरी 30-30 हज़ार कर दो और 3 जने नौकरी मिले हैं सही नहीं, एक 3 घर में रोजगार 3 बंदे नहीं मिलेगा, 1 लाख रुपये क्यों देवे सरकार। मोदी जी आप इसकी बात सुन रहे हो तो भाई थोड़ा मन करो इसकी बात लगाओ, एक तो बेरोजगारी मिटेगी मत है समाज मत है, 3 जना रोजगार मिलेगा है उनका भी सब, मेरा लगा ना 30 हज़ार रुपये कुकर करके कैसे चल रहा है, 30 हज़ार रुपये चलते हैं हमारे 15 हज़ार में चलना लग रहा बताओ सही बात, कौन कौन मेरे साथ में है गलत ठीक बताना। तो गाइस मैडम गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, और भाई जो मैडम ने आज का जो विचार बताया है उसमें अमल करना, कि भाई मैडम का कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी कर दो खत्म है, मैं वो बात नहीं सरकारी नौकरी कर दो खत्म है, अरे एक एक आदमी जगह 3 बंदे प्राइवेट दे दो भाई, 3 घरों में चूल्हा चलेगा, 3 घरों में काम चलेगा, एक सरकारी नौकरी वाले की जगह पे दुनिया नौकरी की सब हमारे सोसाइट करने लग रही है, जो उसके उसमें वो है
वैसे ये बात किसी के घर में तो वही 1 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, किसी के घर में 1 रुपए का जुगाड़ नहीं हो रहा। कोई कोई पैसे दे के लग जावे और जो पढ़ा लिखा है जो काबिल है उसने नौकरी नहीं मिलती, वो बेचारा धक्के खावे। देखो भाई नॉलेज भी होनी जरूरी है काम के, सबके किले ले लो है और उसके गिला ना उसका कहना है सत्ता नौकरी दे ले भाई। हाँ किले किस तरह दे, उसके किले है ना उनके उसमें गरीब आम आदमी ने मकान दे। देखो भाई ये सारी सुविधा है और ये सब कुछ सब मिलेगा जब आप लोग जिस टाइम पर वोट करते हो, जिस टाइम पर इलेक्शन होते हैं उस टाइम पर ये वोटों को अपने को बेचो ना। मेरी बात क्या है भाई, उस टाइम पर तो ये एक एक आधा देखो मैं वही गिरा वोट किसी किसी की है और फिर बाद में फिर वो भाई अपनी मर्जी चलाओगा। तो वही थोड़ा सा भाई जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं, जिस टाइम पे आपका मौका होता है उस टाइम पर आप उस चीज़ को सोचो ना भाई हमारे साथ है। अभी तो 5 दिन के लिए तो भाई वो मान ले आपके की सारी सुविधा कर देगा, आपको सब कुछ लैला दे देगा, लेकिन 5 साल तो आपका खून चूसेगा वो, कुछ भी काम नहीं करते फिर वो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई तो भाई जिसको बना रहे हो आप अपने लिए भाई 5 साल के लिए चुन रहे हो, लेकिन उसके लिए कम से कम भाई दारू के लिए मत वो को बेचो भाई, दारू पीनी है या फिर कोई एक चीज़ आपके घर में आपके घर में कुछ देगा तो भाई अपने दे दो, ऐसे नहीं भाई आदमी को देखो उसको परखो क्या काम करेगा वो आपके लिए। तो गाइस मेरा मानना ये है कि एक एक दिन के लिए सबको, जैसे नायक फिल्म में था ना, एक एक दिन के लिए सबको सबके टैलेंट को मौका मिलना होना चाहिए। मैंने को इतने दुनिया लाखों में युवा हमारी दुनिया संसार में भारत में लगा लो पूरे भारत में लाखों की संख्या में युवा, हर एक को एक दिन मौका मिलेगा तो वो नई नया कुछ ना कुछ करेगा। उसको पता है कि एक दिन का ही मेरे पास टाइम है, कुछ अच्छा करो कुछ अच्छा करो कुछ अच्छा करो, तो इसे अच्छा किएगा दादा अपना अपना कर लगा तो भाई मेरा सब कुछ हो जाएगा। 130 करोड़ जनसंख्या तो है तो भाई 35 लगा ले, 21 करोड़ है एक जने के पास, अंबानी इनके पास इनके तो एक एक लाख मतलब न करोड़ बार दिन के अच्छा 500 भाई ऐसी बात नहीं, उन लोगों ने मेहनत कर रखी है, अपने मेहनत से कमाया है, ये आप लोग मेहनत करो आप लोग कमाओ ना। एक बात है मान लो किसी को दे भी देवे तो वो बैठ के खाओगे उसने बैठ के खाओगे तो मेरे पे खत्म होवेंगे जो तो मेहनत का। देखो मेरा तो मानना यही है कि भाई गरीब को फ्री में ना दो, उसके लिए रोजगार पैदा करो, उसके लिए कुछ काम कुम दो कि भाई आप ये काम करो। गरीब आदमी सोचते हो रहा तो देखो सरकार ने ये लालच दे देखा है आटे चावल का इस तरीके से भाई फ्री में दे देखा है इनको, ऐसा बना दिया कि भाई कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ सरकार हमारे को अपने दे देगी क्यों, फिर वो भाई जब उसको फ्री का खाने की आदत हो जाएगी तो क्यों कमाएंगे वो, क्यों कुछ काम करेंगे वो, तो भाई दारू पियेंगे शराब पियेंगे ऐसे ही करेंगे भाई क्यों। उनको पता है कि भाई बच्चों के लिए खाने पीने के लिए तो सरकार दे रही है, सरकारी स्कूल में भी खाना का देते हैं जब बच्चा ना खाना नहीं ले रहा है कि जरूरत है कुछ करने की अपन ठीक जाओ जाओ खाना खाने जाओ बच्चे, तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार को भी उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार पैदा करने चाहिए फ्री में ना देने की बजाय। और दूसरी बात बच्चा रेगुलर होना चाहिए सरकारी स्कूल खाने, सरकार ने अपनी वैल्यू खुद गिरा रखी है सरकारी स्कूल में। देखो स्टाफ तो अच्छा है वे सब पढ़ा लिखा स्टाफ ले रखा है पर वो बच्चों पे ध्यान नहीं देते, माने को ना के नहीं आया कोई गंदे कपड़े पहन रहा है उन्हें मतलब ही नहीं उन्हें पढ़ाना ही नहीं। देखो भाई सरकार को मेरे मानना है, देखो भाई वो सरकार भाई बहुत समझदार है मेरे से भी भाई और वैसे भी लोग समझदार है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जो सरकारी टीचर लग गया भाई उसको जहाँ पे वो पोस्टिंग है उसी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ने चाहिए। अगर ये रूल हो गया ना सभी सरकारी टीचर्स के बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए उसी सरकारी स्कूल में तब वो केयर करके पढ़ाएंगे दूसरे बच्चों को भी क्योंकि भाई उनका बच्चा भी वहाँ पे पढ़ रहा है। ये रूल बनाना चाहिए सरकार ने पर नहीं सरकार ना मतलब कोई उदाहरण के लाभ नहीं देंगे दे रखे उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाऊँ क्यों जाऊँ बिल्कुल भाई जब तक शिक्षा नहीं सुधर रही। हाँ ये बात बिल्कुल राइट राइट डिसीजन मैडम का भाई कभी नहीं ऐसा नाश हो रहा है कभी दुनिया का सब फ्री का चाहिए। तो भाई जो भी हमने बोला है बिल्कुल फैक्ट है उस पर विचार करने की जरूरत है, आप लोग इस पर विचार जरूर करें भाई इस पे आपने भाई अमल करना है, आपको अच्छे लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं तो देखो कमेंट करके बताओ। सारी सरकारी सुविधाएं सुविधाएं उनकी जगह भाई प्राइवेट मैडम रख दे देखो ख्यास ना करे तो बिल्कुल भाई पढ़ते ही नहीं पढ़ाओ 5,000 रुपये वाली मैडम
भाई 50,000 रुपये लेने वाले टीचर से अच्छा पढ़ाती है, देखो ये तो फैक्ट है। वो सरकारी नौकरी पर लग के वो ये सोचते हैं कि अभी अब तो हम पक्के हो गए, अब हमारे कुछ ऊपर कुछ नहीं हो सकता, हम पढ़ाए या ना पढ़ाए हमारे हमारी सैलरी ऐसे ही आएगी। तो उनकी पढ़ाने वाले नींद खत्म हो जाती है फिर। देखो भैया हमने एक्सपीरियंस थोड़ा सा भैया आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, बच्चों के लिए खाना भी नहीं बातें खत्म नहीं होती हमारी, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और वही बच्चों के लिए देखो भाई हमारी बात तो हमारी बात किसी के दिल पे लगी है, किसी को ठेस लगा तो हम सॉरी बोलते हैं। खराब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ना दे किसी को, दे 50,000 रुपए से ऊपर सैलरी के आगे करके किसी को। ये तो हमारे व्यूज हैं भाई, तो आप लोग मान रहे हैं, आप लोगों को ठीक लगते हैं तो ठीक समझो, ठीक नहीं लगते तो भाई कोई बात नहीं। 50,000 होनी चाहिए, घर जिसका एक्सपीरियंस है उसका। हाँ ये और भी इनकी भी होनी चाहिए, सब कुछ करो, इनकी 50,000 होनी चाहिए।